जय सियाराम। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। ज़्यादातर साधकों का यह प्रश्न होता ही है, जब हम नाम जाप करते हैं या हम किसी मंत्र का जाप करते हैं या हम अपने इष्ट की उपासना करते हैं, तो जब हम पूजा पर बैठते हैं तो हमें उबासी आना शुरू होती हैं, आंसू आना शुरू हो जाते हैं। बहुत से साधकों के साथ तो ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके अंतःकरण में कोई उनको झकझोर रहा है, उनको भगवान की तरफ आकर्षित कर रहा है और उनके नेत्रों से ठंडी ठंडी आंसू की बूंदें गिरने लग जाती हैं और उनका शरीर रोमांचित हो जाता है, उनके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उबासी आना, आंखों से आंसू आना और शरीर को रोमांचित होकर हमारे जो रोमे हैं उनका खड़ा होना, इनका क्या प्रभाव है? जब कोई सच्चे मन से भगवान को चाहता है, उनसे प्यार करता है, तो उनका जो कनेक्शन है, उनका जो लगाव है भगवान से हो जाता है। और जब वो भगवान की मूर्ति को देखता है, चाहे वो उनके कोई भी इष्ट हों, चाहे वो श्री राम जी को मानते हैं, चाहे वो माँ भगवती काली माँ को मानते हैं, चाहे वो किसी को भी मानते हों, तो उनके साथ उनका एक कनेक्शन हो जाता है। सिद्ध और साधक यानी कि भगवान और भक्त का जोड़ा होता है। भगवान के बगैर भक्त अधूरा है और भक्त के बगैर भगवान अधूरे हैं। तो यही होता है कि जब हम अपने इष्ट के समीप होकर उनका नाम जाप करते हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो इष्ट हैं, जो हमारे अंतःकरण में बैठे हुए हैं, वह भी हमारी उपासना से प्रसन्न हो जाते हैं और वह कुछ संकेतों के माध्यम से बताते हैं कि उनकी साधना उन तक पहुंच रही है। अगर आप नाम जाप करते हैं उस समय आपके नेत्रों से ठंडे आंसू निकलते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि जिन इष्ट की आप उपासना कर रहे हैं वह इष्ट आपसे बहुत बहुत प्रसन्न हैं और आपके जीवन में वो अलौकिक चमत्कार करने वाले हैं। क्योंकि जो ठंडे आंसू होते हैं वह भगवान की पानी की ओर संकेत करते हैं और जो गर्म आंसू होते हैं वह संताप के होते हैं, यानी कि हमारी मनोवृत्ति में कोई दूषित वातावरण होता है जिससे हमारे वह गर्म आंसू निकलते हैं। जब हम निर्विकार हो जाते हैं, निर्विश्वसनीय हो जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रह जाता है, तब फिर हमारे जो आंसू निकलते हैं वो परमात्मा के लिए शांति के, उनकी उन्नति के, उनको पाने के ठंडे आंसू निकलते हैं। तो भगवान को पाने में आंसुओं का बहुत महत्व होता है। जिन्होंने भी भगवान को शीघ्रता से पाया है, भक्ति को पाया है और जो भगवान के लिए रोया है, भगवान ने उसके जीवन में चमत्कार पे चमत्कार किए हैं। चाहे आप किसी भी भक्त को ले लीजिए, कहां कहां से भगवान को पाने का एक मार्ग ही होता है, रोना। भगवान को अगर आप पाना चाहते हैं तो रो रो कर पाइए, तो भगवान आपको बहुत शीघ्र मिल जाते हैं। भगवान तो दुखियों के सहारे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो दुखियों का सहारा हूँ, मुझे जो सुख वाले हैं, वैभवशाली हैं, उनसे कोई लगाव नहीं है। जो सब जगह से ठुकरा दिए जाते हैं, उनको कोई नहीं अपनाता है, मेरे प्रभु कहते हैं कि सौ सौ हजार हजार करोड़ करोड़ जितने भी उसको पाप लगे हों, अगर वह मेरी सानिध्य में आ जाएगा, मेरे संपर्क में आ जाएगा, मेरी शरणागति को ग्रहण कर लेगा, तो मैं उसे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। तो हमारे प्रभु श्री राम जी तो अलवेली सरकार हैं, उनके यहाँ पर दुखियों की, दीनों की, गरीबों की देख रेख बहुत शीघ्रता से होती है और जिनके अंतःकरण में भगवान को पाने का प्रेम होता है, उनके लिए तो भगवान 24 घंटे तैयार रहते हैं। अगर आपके आंसू आते हैं, आपको वासी आती हैं, आपका शरीर रोमांचित होता है भगवान का कीर्तन करने में, उनका गुणानुवाद करने में,
तो आप समझ लीजिए कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपकी साधना से वह संतुष्ट हैं और आपकी पूजा से संतुष्ट हैं, आपकी साधना पूजा को प्रभु स्वीकार कर रहे हैं और आपके जीवन में बहुत जल्दी ही वह बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे जिससे आप जन कल्याण में अपना सहयोग करेंगे।